तो आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको लगता है कि ब्लॉगर पे क्या है कि एडसेंस अप्रूवल मिलना बहुत टफ होता है या फिर बहुत ज्यादा पापर बेलना पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने जस्ट 1 महीना से भी कम के समय में ही क्या क्या मैंने एक वेबसाइट बनाया और उस पर मुझे एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने कुछ दिन पहले, ये जो टूली नाम का आपका वेबसाइट दिख रहा है, इसको मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही बनाया था। और मैं बता दूँ, यहाँ पे जितने आप यूट्यूब पे देखते हैं कि ये चीज़ें होने चाहिए तब जाके एडसेंस मिलता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतने आर्टिकल होना चाहिए या फिर इस तरह से बनाना होगा, ये सब करने के बाद ही आपको एडसेंस मिलेगा, आपको इतना समय लग जाएगा, आपके जो पोस्ट है उतना सारा पोस्ट होना चाहिए, इतने सारे आर्टिकल्स होना चाहिए, आपके आर्टिकल्स का लेंथ इतना होना चाहिए, इन सारे चीज़ों को मैं हटा के अगर मैं बोलूँ कि फिर भी मैंने इस पर एडसेंस का अप्रूवल पा लिया है तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं पहले दिखाता हूँ कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टूली वेबसाइट है मैंने ये खुद ही अपने से क्या है थोड़ा कस्टमाइज करके बनाया है। हालांकि मैंने एआई के जो चैट जीपीटी है उसके थ्रू ही इसके कोड्स को जनरेट किया था और खुद से इसको क्या किया था, थोड़ा इधर उधर करके मैंने इसको बिल्ड किया था और लिटरली इसमें एक भी पोस्ट मैंने नहीं किया। तो मैं फिलहाल दिखा दूँ कि यहाँ पे जो टूली है उसमें आप देख सकते हैं ये एड्स आ रहे हैं, एडसेंस के देख सकते हैं, एड्स बाय गूगल आ रहा है। तो यहाँ पे एडसेंस यानी कि अप्रूवल मिल चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने स्टार्ट कब किया था बनाना इस पे, इस वाले वेबसाइट को। तो मैं यहाँ पे अगर ब्लॉगर पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो यहाँ पे मैंने पेज क्रिएट किया था, देख सकते हैं ये पेज है, ठीक है, ये मैं पेज सेक्शन के अंदर आया हूँ। ये पेज मैंने जो क्रिएट किया था वो 6 अप्रैल को किया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 अप्रैल के आसपास में मैंने इसको स्टार्ट किया था बनाना। और जो लास्ट मैंने मॉडिफिकेशन किया था इस वाले जो साइट है उस पर मैंने किया था 20 अप्रैल को, यानी कि 6 से लेके 14 तक तो मैं काम ही कर रहा था इस पे, 14 डेज जैसा मुझे लगा था इस पे काम करने के लिए। और इन 14 डेज में ही मैंने क्या किया था, सारे पेजेस और जितने डिजाइन आपको दिख रहे हैं इस पे, इस साइट पे, उन सारे पेजेस सारे चीजों को मैंने कस्टमाइज किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, पोस्ट वाले सेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक भी पोस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने टूली ही सिलेक्ट कर रखा है, तो यानी ये वेबसाइट ही है जिसमें मैंने, हालांकि इसका होम पेज भी क्या है थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक भी आपको पोस्ट नहीं दिखेगा, ये पेज ही मैंने कस्टमाइज कर रखा है फुल्ली। तो यहाँ पे एड तो आ रहे हैं लेकिन एक भी पोस्ट नहीं है। तो कैसे मैंने बिना पोस्ट का, बिना आर्टिकल लिखे ही मैंने एडसेंस अप्रूवल पा लिया, और भी इतना कम समय में कैसे पा लिया। तो चलिए उसको देख जानते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कंटेंट होना चाहिए ना वो क्या है कि सबसे ज्यादा यूनिक होना चाहिए। ये वाले साइट पे मैंने क्या किया है कि मैंने आर्टिकल्स पे फोकस ही नहीं किया कि मैं इन पे क्या सिखाने वाला हूँ या फिर क्या बताने वाला हूँ, मैंने क्या किया पूरा का पूरा एक सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज कन्वर्टर देख सकते हैं कि इमेज को कन्वर्ट करके देगा, इमेज कंप्रेसर बनाया है मैंने, HTML कंप्रेसर बनाया है, लिंक शॉर्टनर बनाया है, PDF कंप्रेसर बनाया है। तो ये सब क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि पूरा वेबसाइट सिर्फ इन 5 फीचर्स के ऊपर ही बेस्ड है और कुछ भी नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं डाला। जबकि कोई पोस्ट डालते हैं तो या फिर आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम ऐड कर सकते हैं, हमारा कैटेगरी बहुत ज्यादा होता है, टॉपिक्स हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत छोटा सा नीच लिया है जिसमें क्या है कि सिर्फ मैंने 5 टॉपिक लिया है, उन 5 टॉपिक को ही क्या किया है यहाँ पे मैंने साइट में इम्बेड कर दिया है। और सिर्फ ये पूरा साइट में सिर्फ ये आपको 5 या 5 पेजेस जो काम के हैं ये वाले, और जो बाकी का जो एडसेंस अप्रूवल के लिए होता है जैसे कि अबाउट, कॉन्टेक्ट, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह के पेजेस बनाए हैं। तो आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट तो मैंने एक भी नहीं लिखा है बट पेजेस पे मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, 10 पेजेस टोटल मैंने बनाए हैं। तो 10 पेजेस मैं सिर्फ मैंने पेजेस ही बनाए हैं और पेजेस को अपने हिसाब से क्या क्या कस्टमाइज किया है। तो यहाँ पे आप जितना भी मेरे साइट पे ये देखेंगे सब पेज होगा, कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर इसको खोल लेता हूँ तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, एक दूसरा पेज खुल जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि एकदम अपना जो टॉपिक है, जो अपना कैटेगरी है साइट का, वो पूरा ही छोटा रखा है और पूरा का पूरा वेबसाइट यानी पूरा जो टूली है, जो वेबसाइट है उसको पूरा का पूरा 5 टॉपिक पे ही लिमिटेड करके रख दिया है। अब बात आता है कि जो लोग कहते हैं कि लेंथ वगैरह, तो आप जैसे कि मैं सिर्फ यहाँ पे ये जो इमेज कन्वर्टर है इस सिर्फ ये वाला ऑप्शन दे के ही मैं इसको छोड़ सकता था, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि इसमें एडसेंस क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। तो मैंने उसके नीचे ही क्या किया है कि
ये इस पेज को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में ही इसके नीचे ही मैंने उसके आर्टिकल्स को लिख दिया है, मतलब उसका डिटेल्स मैंने यहाँ पे ही छाप दिया है। तो देख सकते हैं मैंने ऊपर में वो टूल लगा रखा है और नीचे में ही मैंने क्या कर दिया है उसके बारे में डिटेल्स में लिख रखा है, बस जो पेज है उसके बारे में ही नीचे मैंने बता रखा है, और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। जबकि ये चीज़ें और भी वेबसाइट्स पे हैं, इतना भी यूनिक नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा ओवरऑल साइट क्या है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड फीचर्स के साथ है, तो ये क्या है एक बहुत ज़्यादा यूनिकनेस को बताता है। तो ये वाला मैंने ऐसे किया और बाकी के सारे पेजेस भी मैंने इसी तरीके से बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने आपको पेजेस दिख रहे हैं सबको मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है, और क्या बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से यूज़ किया है, लेकिन लोगों को लगता है कि एआई से यूज़ करने से क्या एडसेंस का अप्रूवल मिलना मुश्किल तो हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे भी बहुत आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। मैं ऐसे ही बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप मेरा जो लास्ट पोस्ट अपडेटेड है जैसे पेज बनाया था वो 20 अप्रैल को दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो 20 अप्रैल दिखा रहा है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा मेल आया था आप देख सकते हैं ये मुझे आया था 7 मई को, यानी कि 1 महीना भी नहीं लगा, 1 महीना तो छोड़ दो, 20 तारीख को मैंने अपडेट किया है एडसेंस अप्रूवल के लिए लगाया होगा, और मेरे 7 मई को ही मेरे को क्या मिल गया कि मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है। तो यहाँ का 10 दिन उधर का 7 दिन, 17 दिन जैसा ही क्या हुआ है मुझे लगा है, जबकि क्या होता है कि एडसेंस का रिप्लाई आने में ही मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो है 2 वीक्स का टाइम लग जाता है, 2 वीक्स के अंदर भेज देते हैं जनरली रिप्लाइज, तो मुझे क्या है 17 डेज में ही मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि मैं सिर्फ मेरा यही अकेला साइट नहीं है जिसपे मुझे एडसेंस मिला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को चार चार अलग अलग साइट्स है, जैसे कि टूली है, ऑनटेक है, ऑनटेक के बारे में आपको पहले से ही पता है, बाकी 3 साइट्स के बारे में जैसे कि आत्मजीवनी है, द बायोटिक वर्ल्ड है, और हालांकि ये तीनों पे नहीं मिला क्योंकि मैं इन तीनों पे काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। ये सब क्या है कि एकदम जनरल ब्लॉग्स है लाइक जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखना होता है, तो मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं वो सब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा हटके, मैं कुछ दिनों तक स्कूल बंद था तो मैंने टूली के ऊपर काम किया, और टूली क्या है सिर्फ 10-15 दिन में मैंने काम किया और 15-16 दिन में ही मुझे एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया, यानी कि टोटल जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो 1 महीना के अंदर ही मुझे क्या है एडसेंस अप्रूवल मिल गया है। अगर नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, पहले से सब्सक्राइब है तो यार इस वीडियो को शेयर करो कि बताओ लोगों को कि हाँ एडसेंस जो है ना ब्लॉगर पे भी बहुत आसानी से मिल सकता है।